हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चलेगा चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपके समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आपका सम चतुर्भुज और आपका चक्रीय चतुर्भुज, ये पिछली कक्षाओं में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को इसमें करते हैं कि हमारे चतुर्भुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 2। दर्शाइए कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो हमें ये बताना है कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस परस्पर में एक दूसरे के लंब होते हैं। अब हल देखिए, सम चतुर्भुज ए बी सी डी पर विचार कीजिए। अब हम जानते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के और सी डी बराबर है डी ए के। ये सारे आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अर्थात इस प्रकार ये बराबर है ए बी सी और डी। तो ए बी बी सी और सी डी और आ गया डी ए। तो आपका ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर डी ए। अब त्रिभुज ए ओ डी और डी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ डी में, अब ओ ए बराबर ओ सी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब ओ डी बराबर ओ डी क्या है, उभयनिष्ठ, क्या आ गई, उभयनिष्ठ। अब नेक्स्ट देखिए, ए डी बराबर सी डी दिया गया है आपको, ए बी बराबर सी डी, अतः ए ओ डी बराबर है सी ओ डी के, बराबर है, समरूप भी है सर्वांग समता के नियम से। अब देखिए त्रिभुज ए ओ डी, ये त्रिभुज आ गया आपका ए ओ डी बराबर है सी ओ डी के, इस त्रिभुज के बराबर आ गया वाला त्रिभुज सर्वांग समता के नियम से। अब ए ओ डी बराबर है सी ओ डी के, परंतु ए ओ डी प्लस सी ओ डी क्या आ गया, 180 डिग्री। तो दोनों क्या आ गए आपके, 180 डिग्री रैखिक युग्म के अकॉर्डिंग। अब 2AOD बराबर 180 डिग्री और AOD क्या आ गया आपका, 90 डिग्री। AOD क्या आ गया आपका, यहाँ से 90 डिग्री। अतः सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, ये बात आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई, क्या होते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण, क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, ये बात आपकी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर आपको 3 दिया गया है। दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण है पर प्रतिचार आपको समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। तो हमें देखना है, आपको दिया गया है ए बी सी और डी। अब दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए सी बराबर है बी डी के, ए सी बराबर है बी डी के, तथा सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। अब ए बी सी और बी ए डी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, ए बी सी और बी ए डी, बी ए डी आपके दो त्रिभुज आ गए यहाँ से निकल के। अब देखिए बी सी बराबर क्या है ए डी के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब ए सी बराबर बी डी दिया गया है, ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है आपका, उसी प्रकार ए बी सी बराबर है बी ए डी के क्या है, समरूप भी है समांतर भी है सर्वांग समता के नियम से। अब ए बी सी आपका बराबर है बी ए सी बी ए डी के,
सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। परंतु ए बी सी प्लस बी ए डी क्या है? 180 डिग्री। अतः अंतः कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो आपका आ गया 180 डिग्री। अब टू बी ए डी बराबर आ गया 180 डिग्री, और त्रिभुज बी ए डी बराबर आ गया 180 डिग्री अपॉन में टू, तो आ गया 90 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत होता है, ए बी सी डी ए क्या आयत है, तो समकोण त्रिभुज क्या है हमारा? ये है। क्या है? और आपका क्या बन गया? ये एक आयत भी है। तो आयत क्या है? ए बी सी डी एक आयत है। तो हमारा ए बी सी डी एक आयत है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको 9। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर बी क्यू, और दर्शाइए कि ए डी ए बी सी डी क्यू आर। अब देखिए, पहला क्या है? ए पी डी बराबर है सी क्यू बी के, बराबर भी है, समरूप भी है। सेकंड, ए पी बराबर है सी क्यू के, ए पी और सी क्यू के। अब ए क्यू बी बराबर है सी पी डी के, ए क्यू बी ये वाला एंगल बराबर है सी पी डी के। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, आपको दिया गया है ए क्यू बराबर है सी पी के, तो ए क्यू बराबर किसके है? सी पी के। क्या आ गया आपका? और क्या आ गया आपका? ए पी सी क्यू एक ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखेंगे त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी में डी पी बराबर है बी क्यू के, दिया गया है आपको। ए डी पी बराबर है सी बी क्यू के, एकांतर कोण होगा आपके। ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ए डी बराबर है किसके? बी सी के। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या हो गई? बराबर होती हैं। अब त्रिभुज ए पी डी बराबर है सी क्यू बी के, बराबर है, समांतर है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। अब सेकंड देखिए, ए पी डी बराबर है समरूप है त्रिभुज सी क्यू बी के, ऊपर सिद्ध किया गया है। अब ए पी बराबर है किसके? सी क्यू के। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड आ गया आपका, त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में। अब क्यू बी बराबर डी पी के है, ये दिया गया है। ए बी क्यू बराबर है सी डी पी के, ये क्या है आपके? एकांतर कोण हो गए। अब ए बी बराबर आ गया सी डी के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अब ए क्यू बी बराबर है सी डी सी पी डी के, और समरूप भी है, सर्वांग समता साइड एंगल साइड के नियम से। अब फोर्थ देखिए, ए क्यू बी बराबर है सी पी डी के, बराबर भी है, समरूप भी है, ऊपर सिद्ध किया गया है। अब ए क्यू बराबर क्या है? सी पी। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये समीकरण नंबर दो आ गया आपका। अब देखिए फिफ्थ वाला, ए पी सी क्यू में देखेंगे आप कि आपका ए पी बराबर है किसके? सी क्यू के, और ए क्यू बराबर है सी पी के। समीकरण नंबर एक आ गया आपका, ये समीकरण नंबर आपका दो आ गया। चतुर्भुज ए
सी क्यू की संगत भुजाएं बराबर हैं, अतः ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 10। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। अब देखिए आकृति दर्शाते हैं ए बी सी और डी। ये आपको पी दिया गया है और एक बिंदु आपको दिया गया है क्यू। अब देखिए, वन ए पी डी ए बी बी बराबर है सी डी सी क्यू डी के, बराबर है समरूप भी है। सेकंड, ए पी बराबर है सी क्यू के और समरूप भी है। अब त्रिभुज ए पी बी और सी क्यू डी में देखेंगे आप क्या, ए पी बी ये वाला त्रिभुज आपका बराबर है सी क्यू डी, सी क्यू डी इस त्रिभुज के। ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये क्या है, ये आपके एकांतर कोण आ गए, प्रत्येक के आगे 90 डिग्री का आ गया आपका। अब ए बी बराबर क्या है सी डी के, तो सी डी ए बी और सी डी क्या हो गए, समांतर समरूप भी हो गए। समांतर चतुर्भुजों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, माप बराबर होती हैं। अब क्या आ गया आपका, त्रिभुज ए पी बी बराबर है सी क्यू डी के, बराबर है समरूप है सर्वांग समता के नियम से। अब ए पी बी बराबर है सी क्यू डी के, सी क्यू डी के ऊपर सिद्ध किया गया है। अब देखिए, ए पी बी बराबर है और समरूप भी है सी क्यू डी के, ऊपर सिद्ध किया गया है। अब ए पी बराबर है किसके, सी क्यू के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ये आपने समझ लिया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 3। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं, अब देखिए ए बी सी डी भुजाओं ए बी सी डी डी ए, क्या आ गया आपका डी ए और डी ए, उसके बाद आगे मध्य बिंदु है। अब दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। अब ए बी सी में देखेंगे आप, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है दिया है, क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु दिया गया है। अब पी क्यू समांतर है ए सी के, अब पी क्यू क्या है 1/2 ए सी, ये मध्य बिंदु परिमेय दिया गया है। इसी प्रकार ए सी डी में हम देखेंगे ए सी डी, ये एंगल आ गया और एक एंगल आ गया आपका ये वाला, भुजा सी डी का मध्य बिंदु है और ए डी क्या है मध्य बिंदु है इसका, और आर सी डी का मध्य बिंदु है। अब एस आर बराबर पैरेलल है ए सी के, तो एस आर समांतर किसके आ गया 1/2 ए सी, ये क्या है मध्य बिंदु प्रमेय। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे तो एस क्यू बराबर है एस आर के, पी क्यू बराबर है एस आर के, क्योंकि पी क्यू बराबर है ए एस के और एस आर आपका समांतर है ए सी के। तो एस आर पी क्यू हो गया और ए सी भी हो गया आपका, इसके समांतर आ गया। अब देखेंगे पी क्यू एस आर आपके इसके आगे समांतर इस प्रकार ये आ गए। अब नेक्स्ट देखिए, अतः पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है दिया गया है, आर भुजा बी सी का मध्य बिंदु है ये दिया गया है। अब क्यू आर 1/2 बी डी है, ये क्या है मध्य बिंदु प्रमेय। अब ए सी बराबर क्या है बी डी के, तो हमारा आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अब 1, 2, 5, 4 से पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू आर एस क्या है समचतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दर्शाइए कि त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा क्रेगा खंड पर प्रतिबिंबित करती है। अब ए बी सी डी त्रिभुज है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी टी डी ए के मध्य बिंदु है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है आपका, और ये पूरे यहाँ से मिला दिया, ये आपकी तो समांतर लाइन आ गई। तो हमारा डी का मध्य बिंदु है आपका एस। अब आर भुजा मध्य बिंदु दिया है, अब ये आ गया पैरेलल और ये आ गया इसका आधा मध्य बिंदु। अब पी का ए बी मध्य बिंदु है दिया है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु दिया है और पी क्यू
ए एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए एस मध्य बिंदु। अब समीकरण नंबर एक और दो, एस क्यू समांतर है एस एफ, ये समांतर आ गया। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखेंगे समीकरण तीन और चार से, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, रेखाखंड पी क्यू एस क्यू और पी आर समद्विभाजित करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, तो हम किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं, और हमने वृत्त में कितने क्वेश्चनों को किया वो समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के